maida 1 cup, half cup plain atta, baking powder 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon chili flakes, 1/2 teaspoon dhaniya powder, 1/2 teaspoon red chili powder, 1/2 teaspoon zeera powder, 1/2 teaspoon namak, 1/2 teaspoon ajwain, overnight bhigoi hui urad ki yani mash ki daal, 2 teaspoon dhaniya chopped, adrak lassan 1/2 teaspoon chopped, green chili chopped, garam oil chahiye 3 teaspoon aur pani hasbe zarurat. Ye hum mix karenge, sab cheeze isme dal denge, oil humne garam dalna hai taki isse ye kurkure bane. ये हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे. इसको अच्छी तरह गूंद के इसकी चिकनी सी डो बना लीजिए. ये चिकनी सी डो बन गई है, इसको आप 4 घंटों के लिए एयर टाइट के अंदर रख दीजिए. बना रहे हैं पंजाबी भटूरे. ये हमारा 5 घंटे हमने आटा रखा था जो तैयार हो गया बिल्कुल बन के. हम इसको ऑयल से चिकना कर लेंगे. ये हम पेड़ा बनाएंगे इसका. इसको हम बेल लेंगे. इसको हमने बेल लिया है. ये जी ऑयल हमारा गरम हो चुका है. ये गरम ऑयल के अंदर हमने भटूरा डाल दिया. ये देखिए कितना अच्छा फूला फूला सा बन रहा है. ये साइड चेंज किया. ये देखिए ये हमारा भटूरा कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है. ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और कुरकुरा बना है. बनाएंगे पंजाबी छोले जो भटूरों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. ये हमने एक बाउल चना ले लिया है जिसको हमने बॉईल कर लिया है, एक प्याज जिसको चॉप्ड करना है, अदरक का छोटा सा पीस, 3 लहसुन के पीस, 2 हरी मिर्चें, 1 चिकन क्यूब्स. फ्राई के लिए, प्याज फ्राई के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी बटर. आप इसमें ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बटर में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है. इसको आप अच्छी तरह फ्राई करें प्याज़ों को. जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं हम तब तक मसाले डालते हैं. सब मसालों को एक जगह मिक्स कर लेते हैं. सारे मसाले आपने 1/2 टीस्पून डालने हैं और सबको मिक्स कर लेना है. चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक. सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें. ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च है जिसको हमने कूट लिया है. कूटने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है. प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं. अब इसके अंदर हम ये कूटी हुई चीज़ें डाल देंगे. फ्राई करेंगे इसको. इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है. और हमारे सारे मसाले डाल देंगे बीच में. देखिए अब इसमें अब हम डालेंगे चने और उनको अच्छे से फ्राई करेंगे. फ्राई कर लें अच्छे से. साथ ही एक ये चिकन क्यूब डाल दें. देखिए कितनी अच्छी शक्ल हो गई है इनकी. चने आपके भुने गए हैं. अब आप इसमें हंसी ज़रूरत जितना आपको चाहिए उतना आप पानी डाल दीजिए. ये देखिए कितने अच्छे चने बन रहे हैं. अब इसको 2-5 मिनट तक आप इसको उबाल लीजिए. देखिए हमारे चने कितने अच्छे तैयार हो गए हैं पककर, बहुत ही थिक थिक से. हमारे भटूरों के साथ छोले तैयार हैं बिल्कुल.